Hello friends, in this video we will discuss the chapter 4 of class 12 biology reproductive health ka bare mein discussion karenge. Theek hai, hum previous video mein to tino chapter jo class 12 ka already matlab upload kar chuke hain. Aap log jaake playlist mein you can search the video. Theek hai, let's start. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या दिया हुआ है देखिए. रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटर्जी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड इनफर्टिलिटी. ठीक है, ये सब कंटेंट में है. तो बिना टाइम वेस्ट करके लेट्स स्टार्ट. You have learned about the human reproductive system and its function in chapter 3 में. हम previous chapter में human reproductive system क्या है और उसका function क्या है discussion कर चुके हैं. Now यहाँ के ये chapter में क्या discussion करेंगे, closely related the topic, उसके साथ ये related है reproductive health का बारे में. ठीक है, वो तो reproductive organ था, उसका function था, child birth का बारे में discussion किए थे, प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कशन किए थे, लेकिन इसमें है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है. सिंपली अगर हम बोलेंगे मतलब हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम सिंपली अगर बोलेंगे, नॉर्मल फंक्शन करना है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, हमारा नॉर्मल फंक्शन करना अगर सिंपल बात में बोलेंगे, अगर उसको ब्रॉड सेंस में बोलेंगे तो क्या है, इसके साथ में इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट भी ऐड हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से क्या है, हेल्थ मींस रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस द टोटल वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन, दैट मींस फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर होगा, सोशल होगा, ये सब अटैच रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का साथ में, ये सब भी नॉर्मल होना चाहिए. ठीक है, देन ये पैराग्राफ में इतना है. चलिए आगे देखते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या, प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये बात आया, प्रॉब्लम क्या है, उसका स्ट्रेटर्जी क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इतना जो ध्यान देते हैं हम, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, इंडिया वाज ऑलमोस्ट फर्स्ट कंट्री जो था इंडिया वर्ल्ड में इनिशिएट एक्शन प्लान प्रोग्राम एट नेशनल लेवल. नेशनल लेवल में इंडिया पहले प्लान किया था, प्रोग्राम किया था अबाउट व्हाट द टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बारे में, एक जो है आज ए सोशल गोल, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हमको क्या लेना चाहिए. ठीक है, दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग जो पहले इंडिया में किया गया था. ठीक है, इसको इनिशिएटेड कब किए थे, 1951 में. ठीक है, पीरियडिकली ये देखा गया, ये उसके बाद ये क्या हुआ है, द प्रोग्राम इम्प्रूव किया गया है एंड कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया. करेंटली ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का RCS नाम से जाना गया. ठीक है, उसके बाद इसको RCS का नाम से जाना गया. RCS प्रोग्राम अभी हर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चलता है. ठीक है, तो क्रिएटिंग अवेयरनेस, उसका मकसद क्या है, क्रिएटिंग अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, किसका बीच में अवेयरनेस किसको देंगे, अमंग द पीपल. ठीक है, अबाउट वेरियस, किसके बारे में देंगे, वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट में देंगे, जैसे प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज सपोर्ट फॉर बिल्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, कैसे हम जो प्रॉब्लम है उसको कैसे फैसिलिटेट करेंगे, मतलब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और अवेयरनेस देंगे लोगों को. ठीक है, तो ये एक मेजर टास्क बन गया, इतना इजी नहीं है ये सब, इतना पॉपुलेशन को कंट्रोल करके ये सबको मैनेज करना
इट इज नॉट सो इजी। तो ये एक प्रोग्राम बना के इसको कैरेड आउट किए हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा लाइट को ब्राइट कर लेते हैं। ठीक है, देन विथ हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल का थ्रू और प्रिंट मीडिया का थ्रू द गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब मिलके एजेंसी मिलके तो टेकन वेरियस स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस। सब मिलजुल के ये अवेयरनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो अमंग द पीपुल एंड अबाउट द प्रोडक्शन रिलेटेड दिस एस्पेक्ट। तो पहले तो प्रोग्राम करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे, देन आफ्टर द इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर, फ्रेंड्स सबको अवेयरनेस दिया जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन द सेक्स एजुकेशन स्कूल में भी दिया जाएगा। एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा यंग बच्चा लोग को, तो जो स्कूल का बच्चा लोग को दिया जाएगा। डिस्करेज टू चिल्ड्रेन फ्रॉम बिलीविंग द माइथी, जो पुराना बात है उसको जो उसको इतना ध्यान नहीं देना है, जैसे चाइल्ड मैरिज उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अभी तो रूल आ गया है। ठीक है, तो एक एज फिक्स है फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो जो मिसकंसेप्शन जो था उनको अवॉइड करना चाहिए, कैसे, थ्रू एजुकेशन। सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बारे में, एडोलसेंस रिलेटेड चेंज, जो एडोलसेंस मतलब जो बच्चा जब ग्रोथ करता है उसका बॉडी का फिजियोलॉजिकल चेंज होता है उसका बारे में उसको अवेयरनेस देना है। सेफ एंड हाइजीन, सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसे करना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD जो होता है वो क्या है, क्यों होता है, ये सब बच्चा लोग को भी और अवेयरनेस देना है। एड्स जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है उसको भी, एड्स जो है उसको भी क्यों होता है, कैसे हमको केयरफुली रहना है, ये सब अवेयरनेस देंगे। ठीक है, तो ये अवेयरनेस इतना इजी नहीं है। देखिए, अवेयरनेस इज ए प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अवेयरनेस हम देंगे लेकिन इतना पॉपुलेटेड कंट्री में देना इतना इजी नहीं है। ठीक है, देन आगे में क्या दिया हुआ है देखिए। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान अटेन रिप्रोडक्शन हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। मतलब हम बोलने से प्रोग्राम नहीं हो जाएगा, हमको काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज करना पड़ेगा, प्रोफेशनल एक्सपर्ट को भी लाना पड़ेगा, मटेरियल सपोर्ट भी देना पड़ेगा ये प्रोग्राम कैरी करने के लिए। नाउ आवर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल दिस थिंग्स, हर हॉस्पिटल में, हर मेडिकल इंस्टीट्यूट में एवरीथिंग इज अवेलेबल। देर आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपुल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे कैसे हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए अभी हमारा पास प्रोग्राम का थ्रू सॉल्यूशन है, लाइक जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, एबॉर्शन, कंट्रासेप्शन एंड मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये सबको ओवरकम करने के लिए जो प्रॉब्लम आता है ओवरकम करने के लिए हमारा पास अभी सॉल्यूशन है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ये थ्रू दिस प्रोग्राम हम ओवरकम कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक, न्यू स्ट्रेटर्जी फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशियंट एंड असिस्टेंस टू द पीपुल। वो धीरे धीरे प्रोग्राम और नया नया टेक्नोलॉजी का साथ में बेटर इम्प्लीमेंटेशन हम कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक क्या है, एक बयान किया गया है एमनियोसेंटेसिस, मतलब ये है एक सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस था जो लीगली उसको बयान किया गया है, क्योंकि ये जो है ये इंक्रीज किया क्या है, फीमेल फेटेसाइड, मतलब फेटेसाइड मतलब जो फीमेल बच्चा को हम प्रेगनेंसी का टाइम पर हम मार देते थे। ठीक है, मतलब उनको
फीमेल बच्चा को कोई, जब सेक्स पता चल जाता था तो फीमेल बच्चा को कोई नहीं चाहता था, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो इसी को गवर्नमेंट बैन कर दिया। तो उसमें क्या है, वो फिटल का जो इन एमनियोसेंटेसिस क्या करता है, सम एमनियोटिक फ्लूइड जो है डेवलपिंग फिटस का जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, फिटस जहाँ रहता है ये यूट्रस में, तो टेकन एनालिसिस वो फ्लूइड को लिया जाता है एंड फिटल सेल एनालिसिस, तो फिटल सेल को डिटेक्ट किया जाता है एंड पता चल जाता है ये मेल की फीमेल है। लेकिन उसी से भी और एक पॉजिटिव सेंस आता है, इससे हमको जेनेटिक डिजॉर्डर भी पता चल जाता है। लाइक जेनेटिक डिजॉर्डर डिजीज जो है, जैसे देखिए ये डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल जो एनीमिया होता है, ये सब भी पता चलता था। ये भी एक पॉजिटिव सेंस है, बच्चा का क्या क्या डिजीज है ये पता चलता था। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया। तो रिसर्च ऑन द वेरियस रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया आर एनकरेज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसी टू फाइंड आउट न्यू मेथड एंड इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वन। तो बहुत रिसर्च चल रहा है, उसके बाद एक कंट्रासेप्टिव का बात आ रहा है, जब ये एक सहेली जो कंट्रासेप्टिव है उसको न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव जो है उसको डेवलप किया गया है। वो कहाँ, मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है, ये द बाय द साइंटिस्ट लोग, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CDRI जो लखनऊ में है, इंडिया का लखनऊ में है, इसमें ये सहेली नाम का कंट्रासेप्टिव पहले ओरल कंट्रासेप्टिव था। ठीक है, तो उसको पहले इम्प्लीमेंट किए थे। ठीक है, तो ये एक न्यू मेथड जो कंट्रासेप्टिव मेथड जो ओरल पिल्स का हिसाब से निकाले थे। ठीक है, तो इसमें क्या है और क्या है, बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेंस डिलीवरी एंड मतलब डिलीवरी का टाइम पर, और क्या अच्छा अच्छा टेक्निक और मेडिकल कैसे असिस्ट किया जाएगा डिलीवरी को, बेटर पोस्ट नेटल केयर मतलब आफ्टर द बर्थ कैसे केयर लिया जाएगा मतलब बेबी का एंड मदर का ऑल्सो, लीड्स टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फांट मोर्टालिटी रेट, मतलब बच्चा एंड मदर एंड जो बेबी जितना रेट से वो डेथ हो रहा था उसको हम डिक्रीज करेंगे, ये सब फैसिलिटी देंगे। ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ कपूल विथ स्मॉल फैमिली, मतलब हमारा फैमिली जो एक ही फैमिली में जितना बच्चा होना चाहिए वो रेट को भी थोड़ा कम करेंगे, तो बेटर डिटेक्शन एंड क्योर STD, ओवर इंक्रीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ऑल द सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम सबको हम ओवरकम कर, ऑल इंडिकेट इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ये सबको मिला के हम इंडिकेट करते हैं कि इम्प्रूव करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। ठीक है ठीक है, चलिए आगे देखिए, पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, इन द लास्ट सेंचुरी ऑल द राउंड डेवलपमेंट इज वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द पीपल, ये कि पॉपुलेशन जो स्टेबिलिटी कैसे लाना है, बर्थ कंट्रोल करके लाना है, क्योंकि जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन इतना हो रहा है तो हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, बर्थ कंट्रोल करेंगे तब ना कंट्रोल होगा। तो व्हाट आर द मेथड आगे में हम देखेंगे, तो लास्ट सेंचुरी में ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, देखिए अभी हमारा लाइफ का जो क्वालिटी है वो बढ़ गया, इम्प्रूव हो गया, तो इसीलिए हेल्थ फैसिलिटी भी बहुत इम्प्रूव किया है, तो बेटर लिविंग कंडीशन द एक्सप्लोशन इम्पैक्ट, मतलब और लोग लाइफ स्पैन भी बढ़ जा रहा है, तो ये भी एक ग्रोथ का कारण हो सकता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन व्हिच वाज अराउंड 2 बिलियन 2 मिलियन जो है ये कब था, इन
1900 और अकटे टू अबाउट 6 मिलियन 2000 में। देखिए 1900 में जो इतना था ये 2000 में हो गया, कितना बढ़ गया, 6 बिलियन तक पहुंच गया। ठीक है, कितना तेजी से बढ़ गया देखिए। एंड 7.2 बिलियन हो गया 2011 में। ठीक है, द सिमिलर ट्रेंड्स वर ऑब्जर्व इन इंडिया टू। इंडिया में ये वर्ल्ड का बात हो रहा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का बात, इंडिया में भी ऐसी तेजी से बढ़ रहा है। और पॉपुलेशन हुई वजह अप्रोक्सीमेटली 350 बिलियन था ड्यूरिंग द आवर इंडिपेंडेंट, मतलब 1947 में जो था वो क्लोज टू बिलियन मार्क, बाय 2000 में इट क्रॉस द 1.2 बिलियन। ठीक है, ठीक है, जो बिलियन में था 2000 में ये क्रॉस 1.2 बिलियन इन में 2011 में क्रॉस कर गया। तो ये तेजी से बढ़ रहा है पॉपुलेशन। ठीक है, तो रैपिड डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट, डेथ रेट यहाँ कम रहा है, हो रहा है, एंड ये बर्थ रेट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसमें क्या है, रैपिड डिक्लाइन द डेथ रेट, मैटरनल मोर्टालिटी एंड MMR, जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो MMR एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR, ये एज वेल एज इंक्रीज द मदर नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज द एज प्रोबेबली रीजन ऑफ दिस। देखिए अभी ये रेट भी हमारा मोर्टालिटी रेट को भी हम कम कर दिए, और लाइफ स्पैन भी लोगों का बढ़ गया ड्यू टू द गुड फैसिलिटी ऑफ द हॉस्पिटल एंड टेक्नोलॉजी, इस वजह से, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, दो आवर RCS प्रोग्राम थ्रू वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। डाउन करेंगे, कैसे करेंगे, तो अवेयरनेस फैलाएंगे। इट वॉज ओनली मार्जिनल अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज less than 2%, थोड़ा less than 2%, दैट इज 20 per 1000 पर ईयर। ठीक है, इतना कम हो रहा है। द रेट एट व्हिच द पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, सच अलार्मिंग ग्रोथ रेट वुड लीड द एब्सोल्युटली स्कारसिटी इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर इसी तरह पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो डेफिनेटली देर विल बी स्कारसिटी, मतलब डेफिशिएंट, कमी हो जाएगा हमारा फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग एंड ये सब में कमी होगा कि नहीं, कमी होगा डेफिनेटली। तो देयर फॉर गवर्नमेंट हैज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजरमेंट चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज मोटिवेट स्मॉलर फैमिली। हम सबको मोटिवेट करना है छोटा फैमिली, है छोटा फैमिली, बहुत अच्छा फैमिली, जैसे आगे भी स्लोगान है, हम दो हमारा दो, ऐसे करके स्लोगान दे के हम अवेयरनेस देंगे, हम दो, हम हस्बैंड वाइफ, हमारा दो बच्चा होगा बस। यूजिंग द वेरियस कंट्रासेप्टिक मेथड भी यूज करेंगे, ठीक है, टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। तो माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट मीडिया में हम देखे हैं, तो क्या है स्लोगन जो हुआ था, क्या हम दो हमारा दो, तो वी टू आवर टू। मेनी कपल मोस्टली यंग अर्बन वर्किंग वन हैव इवन अडॉप्टेड वन चाइल्ड इन नॉर्म, तो एक ही चाइल्ड का भी बहुत लोग अभी भी इतना अवेयरनेस मतलब फैल गया कि एक ही चाइल्ड में उन लोग का भी एक ही चाइल्ड होता है कि नहीं। स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल 18 होता है एंड मेल का 21 ईयर होता है, अभी थोड़ा फीमेल का भी 21 ईयर कर दिए हैं। ठीक है, इंसेंटिव्स गिवेन टू द कपल, देखिए पहले ग्रीन कार्ड ए वगैरह दे रहे थे हॉस्पिटल में, जो मोटिवेट होंगे क्या कपल मोटिवेट होंगे तो रिड्यूस द फैमिली प्लानिंग करने के लिए वो मोटिवेट होंगे। तो स्मॉल फैमिली आर टू अदर द मेजर टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। लेटेस्ट डिस्क्राइब सम कंफर्टेबल यूज कंट्रासेप्टिक, क्या कॉमनली हम क्या सॉरी कॉमनली यूज कंट्रासेप्टिक मेथड क्या क्या यूज करते हैं टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को हम कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कंट्रासेप्टिव मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है,
ठीक है। एंड आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोलेंगे, जो फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली जो यूज करेंगे उसको फ्रेंडली होगा, इजीली अवेलेबल होगा, इफेक्टिव भी होगा, रिवर्सिबल विथ नो लिस्ट साइड इफेक्ट भी नहीं होगा उसका, तो ये फ्रेंडली होगा ना, तब जाके हम यूज करेंगे। ठीक है ठीक है, इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल ड्राइव डिजायर एंड सेक्सुअल, मतलब हमारा ये इसको लेने के बाद जैसे हमारा सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एक्ट भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसे भी होना चाहिए कंट्रासेप्टिक जो है। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड प्रॉपरली अवेलेबल आर, क्या क्या है, क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं। देखिए, एक है नेचुरल जो ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है, दूसरा है बैरियर मेथड, थर्ड वन इज आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है, ओरल कंट्रासेप्टिक है, इंजेक्टेबल भी है, इम्प्लांट भी है एंड सर्जिकल मेथड भी है। सॉरी, तो क्या क्या मेथड, वंस अगेन नेचुरल जिसको ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है, बैरियर मेथड होता है, आईयूडी मेथड होता है, ओरल कंट्रासेप्टिक, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड होता है। दीज आर द मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्टिक मेथड जो होता है। ठीक है, कंट्रासेप्टिक मेथड। ठीक है, तो कौन से मेथड में क्या हम क्या उसका यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड में क्या है, देखिए नेचुरल मेथड जो होता है वर्क ऑन द प्रिंसिपल अवॉइडिंग चांस ऑफ ओभम एंड स्पर्म मीटिंग, तो हम ऐसे करेंगे नेचुरल मेथड में जैसे स्पर्म एंड ओभम मीट नहीं हो पाएगा, तो कैसे करेंगे ऐसे, ये पीरियडिक एब्सेंटीज, मतलब ये क्या है एब्सेंटेंस, मतलब पीरियडिक क्या मतलब, जो एक पीरियड में, देखिए वन सच मेथड इज व्हिच द कपल अवॉइड, ए टाइम में हम अवॉइड करना पड़ेगा वाइटस को, कैसे डे 14 से डे 17 तक हमको अवॉइड करना पड़ेगा क्वाइटस को, जो आफ्टर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का बाद में 10 से 17 डे तक हमको क्वाइटस करना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ए टाइम में ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, ओवुलेशन इसी टाइम में होता है। ठीक है, तो ए टाइम में अगर हम क्वाइटस नहीं करेंगे तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो देयर इज नो चांस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन विल बी आर, अगर ए टाइम में क्वाइटस होगा तो वेरी चांस, हाई चांस ऑफ ड्यूरिंग दिस मेथड फर्टिलाइजेशन का रहेगा, तो दिस पीरियड इसीलिए ये 10 से 17 डे को फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, तो ए टाइम में हम क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, देयर फॉर द absenting from the coitus during, इसमें बाद रहेंगे, coitus से दूर रहेंगे during this period, conception couple conception could be prevented, तो ऐसे रहने से ए डे में अगर हम coitus नहीं करेंगे तो हमारा conception नहीं होगा। ठीक है, तो second method जो है withdrawal method और coitus इंटरप्टस। ठीक है, तो ये जो विड्रॉल मेथड में क्या होता है, इज अनदर मेथड व्हिच इज मेल पार्टनर विड्रॉल द पेनिस फ्रॉम द वजाइना से, जब इंसेमिनेशन होता है और जब उसी टाइम में इजैकुलेशन जब होता है तब इसको पेनिस को विड्रॉ कर लेना है फ्रॉम वजाइना से, सो एज अवॉइड द इंसेमिनेशन। ठीक है, इंटरप्शन जो मतलब विड्रॉल मेथड ये। देन थर्ड मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है वो टाइम में भी कंसीव करने का चांस नहीं रहता है, ये मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन नहीं होता है टाइम में, देयरफॉर साइकिल इज डज नॉट अकर, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो ड्यूरिंग जब बेबी फीडिंग आफ्टर बर्थ जो बेबी फीडिंग करता है 6 मंथ तक
मेनली मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद रहता है और ड्यूरिंग तो ओवुलेशन नहीं होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटेंस लैक्टेशन तो फॉलोइंग पैचुरेशन, पैचुरेशन का मतलब पैचुरेशन बेबी बर्थ का बाद में जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसी टाइम में ओवुलेशन नहीं होता है तो ये भी सेफ पीरियड रहता है, ठीक है। देयरफॉर आज लंग आज द मेथड इज ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड, ब्रेस्ट फीड उसी टाइम में करता है बेबी, ठीक है। द चांस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील, जब बेबी फीड करता है उसी टाइम में हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नहीं होता है और देयर इज नो चांस ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड इफेक्टिव ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड अस 6 मंथ तक ये चलता है, ये जो लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। आज नो मेडिसिन एंड डिवाइस आर यूज इन दिस मेथड, साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट विद चांस फेलियर। देखिए ये जो नेचुरल मेथड में साइड इफेक्ट का देर इज नो चांस ऑफ साइड इफेक्ट नहीं है तो लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेथड ये जो मेथड से ये मेथड से हाई चांस ऑफ प्रेगनेंसी भी हो सकता है, ठीक है ठीक है। देन सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में देखते हैं इन बैरियर मेथड, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड में क्या क्या हम करते हैं। देखिए ओवम एंड स्पर्म इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, फिजिकली हम स्पर्म और ओवम को मीट करने देंगे कैसे, विथ हेल्प ऑफ बैरियर, बैरियर लगा देंगे। सच मेथड आर अवेलेबल इन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, जैसे मेल में कंडम होता है और द बैरियर जो एक थिन रबर होता है लेटेक्स सीथ होता है, ठीक है, दैट इज यूज कवर द पेनिस को कवर कर देता है जो कंडम है एंड द मेल एंड इन इन मेल में पेनिस में कवर हो जाता है और वजाइना में भी होता है, सर्विक्स इन द फीमेल में भी ऐसे होता है, बैरियर होता है जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट द इजेक्यूएशन सीमेन शुड नॉट एंटर इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं जाएगा, ठीक है। दिस कैन बी प्रिवेंट कंसेप्शन नहीं होगा तो ये एक जो एक कंडम का नाम है निरोध है, ठीक है, जो पॉपुलर ब्रांड है ऑफ कंडम का एक पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है, तो ये मेल लोग के लिए होता है। यूज ऑफ कंडम हैज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू एडिशनल बेनिफिट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है एंड एड्स से भी बचना है तो ये कंडम का यूज अभी ज्यादा चल रहा है। बोथ मेल एंड फीमेल कंडम आर डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल होता है यूज एंड थ्रो, ठीक है ठीक है, यूज एंड थ्रो कैन बी कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूज, है ना। डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप एंड वॉल्व जो होता है यार ऑल्सो बैरियर इन मेड अप ऑफ रबर दैट इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी ये दे सकता है, ये तीनों फीमेल के लिए है, ठीक है। टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस, सर्विक्स को कवर करना है, ठीक है। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म को रोक देता है, एंट्री करने नहीं देता है, ठीक है, एंट्री करने नहीं देता है, ठीक है। एक मिनट लाइट का थोड़ा, ठीक है, तो ये हो गया। और क्या होता है, स्पर्म का एंट्री को तो वो ब्लॉक कर देता है और क्या करता है एंड ये दे आर रियूजेबल एंड स्पर्मिसाइडल क्रीम जेली एंड फोम ऑल्सो आर यूज अलोंग विद दिस बैरियर, ये बैरियर का साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम जो स्पर्म को मार सकेगा और जेली भी मिलता है इसके साथ में यू कैन यूज, ठीक है, टू इंक्रीज द कंट्रासेप्टिक एफिशिएंट, और थोड़ा उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम उसका साथ क्रीम एंड जेली भी
यूज कर सकते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम एंड जेली यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर अप टू दिस? तो दो मेथड अभी हम पढ़ लिए, ये नेचुरल मेथड एंड ये है बैरियर मेथड। नेचुरल मेथड में हम क्या क्या, उड्रल मेथड, लैक्टस एमिनोरिया, पीरियडिकल एब्सेंस जो होता है, ठीक है, तो ये हो गया। देन होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, आईयूडी क्या है, तो आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होता है, दिस डिवाइस इज इंसर्टेड बाय डॉक्टर, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता है, बाय डॉक्टर का साथ में और कोई एक्सपर्ट, इसको एक्सपर्ट नर्स ये सब इंसर्ट करेंगे, थ्रू यूट्रस को दिया जाएगा, थ्रू वजाइना, क्लियर? ठीक है, थ्रू वजाइना ये हो गया। दिस इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर प्रेजेंट अवेलेबल इन नॉन मेडिएटेड आईयूडी भी है, एग्जाम में आता है। देखिए नॉन मेडिएटेड आईयूडी क्या है, लिप्स लूप्स, ठीक है, और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या है, कपट्टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये तीनों को याद रखना है। देन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या है, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG20, ये दोनों को भी याद रखना है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG20, ये हो गया। आईयूडी इंक्रीज द फैगोसाइट, मतलब क्या, ऐसे एक्ट करता है जैसे स्पर्म को खा जाना, मतलब मार देना, जैसे उसको किल कर देना विद द यूट्रस, एंड कपर क्या करता है, रिलीजिंग ए सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी को, स्पर्म मोटिलिटी ये भी आता है एग्जाम में, स्पर्म का जो मोटिलिटी है उसको कम कर देता है एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी कम कर देता है, ठीक है, ये कपर आयरन का ये काम है। द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है, एडिशन मेक द यूट्रस अनसुइटेबल इम्प्लांटेशन एंड सर्विक हॉस्टाइल टू स्पर्म, देखिए वो ऐसे कर देता है द सर्विक्स को, जैसे इम्प्लांटेशन नहीं होगा एंड यूट्रस को, ठीक है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस को ऐसे कर देता है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। द आईयूडी आर आइडियल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, ये भी एक आईयूडी है, एक आइडियल कंट्रासेप्टिव है जिसको डिले, प्रेगनेंसी को डिले करना है तो ये मेथड यूज करना है, बार बार मतलब और ओरल पिल्स ये लेने का वजह से अगर हमको ज्यादा गैप रखना है तो ये मेथड इज बेस्ट, ठीक है, तो स्पेस द चिल्ड्रेन, ठीक है, मतलब गैप देना है एक बच्चा का और दूसरा बच्चा का बीच में जो गैप देना है, अंतर रखना है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कंट्रासेप्टिव इन इंडिया, तो ये मेथड बहुत चलता है इंडिया में, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोज आइदर बाई प्रोजेस्टोजेन एंड प्रोजेस्टोजेन इस्ट्रोजेन मिला के, ये जो कॉम्बिनेशन होता है, अनदर कंट्रासेप्टिव मेथड यूज इन फीमेल, ये भी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ओरली हमको लेना है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पिल्स, ओरल पिल्स बोलते हैं, ठीक है। पिल्स हैव द टेकन डेली लेना है फॉर द 21 डेज के लिए, स्टार्टिंग कब से करना है, फर्स्ट 5 डेज से शुरू करना है, अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फर्स्ट 5 डेज से शुरू करना है, 21 डेज डेली लेना है, 21 डे तक, मतलब 21 डे लेना है पूरा। आफ्टर ए गैप 7 डेज ड्यूरिंग व्हिच मेंस्ट्रुएशन अकर, इट हैज रिपीटेड, फिर लेना है टिल द फीमेल डिजायर टू द प्रिवेंट कंट्रासेप्शन, मतलब ऐसे ही लेना है पूरा उसको, ठीक है। दे इनहिबिट ओबुलेशन, इसका क्या काम है पिल्स का, इनहिबिट कर देता है ओबुलेशन को, इम्प्लांटेशन को कम कर देता है, मतलब ऐसे ओबुलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, ठीक है। एज वेल एज आफ्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को ऐसे कर देता है, क्वालिटी म्यूकस, सर्वाइकल जो म्यूकस होता है उसका क्वालिटी ऐसे कर देता है टू प्रिवेंट एंड
रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म को भी रोक देता है और प्रिवेंट भी करता है। ठीक है, द पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विथ लेसर साइड इफेक्ट। ये इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, वेरी इफेक्टिव भी होता है एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स। इसमें फीमेल को बहुत ईजी होता है इसको लेने के लिए। सेली एक जान पहचान जो ओरल कंट्रासेप्टिक है। ठीक है, तो फीमेल कंटेन नॉन स्टेरॉयड प्रिपेरेशन, इसमें स्टेरॉयड नहीं होता है। इट इज वंस अ वीक पिल विथ वेरी साइड इफेक्ट हाई कंट्रासेप्टिक वैल्यू। तो ये वंस ए वीक लेना है और बहुत इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव वैल्यू रहता है इसमें। तो ये क्या करता है, क्या करता है सेली, ये हाईली कंट्रासेप्टिव वैल्यू है, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, प्रोजेस्टोजेन अलोंग विद द कॉम्बिनेशन विथ ईस्ट्रोजेन क्या करता है, ऑल्सो यूज फॉर द फीमेल टू इंजेक्ट और इम्प्लांट अंडर द स्किन। इसका इंजेक्टेबल फॉर्म भी होता है तो स्किन का अंडर द स्किन भी दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। दे मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू द पिल्स, इसका एक्शन भी पिल जैसा होता है, पिल में जैसे स्पर्म का एंट्री को और प्रिवेंट करता है। ठीक है, सर्वाइकल म्यूकोस को ऐसे कर देता है कि जैसे ओवुलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो इफेक्टिव पीरियड आर मच लंगर भी होता है ये जो इंजेक्टेबल फॉर्म में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेन एंड प्रोजेस्टोजेन ईस्ट्रोजेन जो कॉम्बिनेशन होता है और आईयूडी विद इन 72 आवर्स, अगर कर्टस का बाद 72 आवर का अंदर में करेंगे, वही आवर का बीच में करेंगे, तो फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव होगा। कौन सी केस में, इमरजेंसी केस में, इमरजेंसी केस जैसे जो अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी, जैसे जो नहीं चाहता, जो कपल नहीं चाहते हैं ये बच्चा नहीं होगा, बाई मिस्टेक बच्चा नहीं होगा, तो उसी केस में ये इंजेक्टेबल फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। तो एंड और क्या केस है, रेप केस में कैजुअल अनप्रोटेक्टेड केस इंटरकोर्स जो होता है उसी में अवॉइड कर, मतलब हमारा कंसीव नहीं करने के लिए ये सब हम इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, और क्या है, ये जो है सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मेथड देखते हैं, ये इसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन मेथड बोलते हैं। ये जनरली एडवाइस फॉर द मेल एंड फीमेल, दोनों का हो सकता है, दोनों का एडवाइस करते हैं, मतलब हमारा मेडिकल जो डॉक्टर लोग है, तो जो हेल्थ असिस्टेंट है, जो भी है, वो अवेयरनेस देते हैं, मेल और फीमेल दोनों का स्टेरिलाइजेशन हो सकता है। कैसे होता है, टर्मिनल मेथड होता है टू प्रिवेंट एनी मोर, देखिए यहाँ होता है भास डिफरेंस ऑफ टाई किया जाता है और कट किया जाता है मेल का, ये मेल का। ठीक है, इसको वैसेक्टोमी बोला जाता है, वैसेक्टोमी, यहाँ भास डिफरेंस जो ट्यूब है उसको कट करके टाई किया जाता है। और इसमें फीमेल में किया, ये 2016 में ये क्वेश्चन आया था, कट एंड जो ये 2016 में आया था, लेकिन 2013 में इसका क्वेश्चन आया था क्या है, ये टीबोक्टोमी, फीमेल में टीबोक्टोमी, कन्फ्यूज नहीं होना है, फीमेल में टीबोक्टोमी, क्योंकि फलिपियन ट्यूब को काट देते हैं, यहाँ देखिए फलिपियन ट्यूब से टीबोक्टोमी। ठीक है, ये भास से वैसेक्टोमी, याद रखना है इसे। ठीक है, फिर देख लेते हैं प्रेगनेंसी सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट। अगर हम ऐसे काट के उसको टाई कर देंगे ट्यूब को, तो पक्का गैमेट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। देयर आफ्टर प्रिवेंट द कंसेप्शन, जो कंसीव करना बंद हो जाएगा। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीज्योर इन मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी, जो बोल दिए हम फीमेल में क्या बोलेंगे, टीबोक्टोमी बोलेंगे। मेल में वैसेक्टोमी एंड फीमेल में टीबोक्टोमी। वैसेक्टोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस ट्यूब को काट दिया जाता है, रिमूव किया जाता है एंड टाई किया जाता है, एंड स्मॉल इंसिशन ऑन द
का टर्म, ठीक है, स्कटम का थ्रू से इसे ये सर्जरी कर सकते हैं। और एज ट्यूबोक्टोमी जो है स्मॉल पार्ट ऑफ द फलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है एंड टाई अप थ्रू द स्मॉल इंसिशन इन एब्डोमेन में, थोड़ा इंसिशन करके कट करके वहाँ करेंगे, ठीक है, थ्रू और थ्रू वजाइना दोनों तरफ से कर सकते हैं। दिस टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट द रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या है, अगर किसी का एक बच्चा है, एक ही बच्चा है, वो चाहेगा हम वैसेक्टोमी की ट्यूबोक्टोमी कर दी हैं, अगर उसका बच्चा का कुछ हो गया, ठीक है, वो चाहेगा और एक बच्चा, कि उसका मन किया है कि और एक दूसरा बच्चा कंसीव करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो ये तो कट हो गया, टाई हो गया, तो फिर इसका रिवर्सिबल होना थोड़ा वेरी पुअर, ठीक है। इट नीड टू बी एम्फसाइज दैट सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल कंट्रासेप्टिव, देखिए कितना मेथड तो हम देख लिए कंट्रासेप्टिक का, मेथड एंड यूज शुड बी ऑलवेज अंडरटेकन कंसल्टेशन विद द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल। ऐसे ऐसे हम जितना अपने आप से करने से पहले अगर डॉक्टर लोगों को कंसल्ट कर लेंगे, जो मेडिकली एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल है, उनको कंसल्ट करने से बेहतर रहेगा, करना भी चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट द कंट्रासेप्टिक आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कंट्रासेप्टिव भी रेगुलर हेल्थ के लिए ओनली कंट्रासेप्टिक इज नॉट जरूरी है। इनफैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट द नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट का भी करना चाहिए, कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, ठीक है। वन फोर्स ऑफ यूज मेथड इज प्रिवेंट प्रेगनेंसी इज डिले स्पेस प्रेगनेंसी इज पर्सनल रीजन। नो डाउट वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द मेथड सिग्निफिकेंस रोल इन चेकिंग द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए हम अगर ये सब मेथड अपनाएंगे तो जरूर हमारा बात कंट्रोल भी हो जाएगा, तो पॉपुलेशन डेफिनेटली भी कंट्रोल हो जाएगा। हाउएवर देयर पॉसिबल इल इफेक्ट इन द, तो ये कंट्रासेप्टिक से कुछ कुछ होता है, जैसे नाउजिया, मतलब वोमेटिक टेंडेंसी रहेगा, अब्डोमिनल पेन रहता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग, इवन ब्रेस्ट कैंसर, तो वेरी सिग्निफिकेंस शुड नॉट बी टोटली इग्नोर, ठीक है। मतलब इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब मेथड नहीं अपनाते, ठीक है। वो डॉक्टर को, मेडिकल प्रैक्टिशनर को, जो प्रोफेशनल है, उनको कंसल्ट करके हम सब मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये था ये वीडियो में इतना तक जो था, ये है क्या क्या पढ़े हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ, ठीक है, पॉपुलर जो हमारा बात कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेथड हम यूज किए, कंट्रासेप्टिक मेथड, ठीक है, नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर मेथड हो गया, देन आईयूडी मेथड हो गया, कंट्रासेप्टिक ओरल पिल्स हो गया, देन सर्जिकल जो स्टेरिलाइजेशन मेथड हो गया, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है, नीट में चाहे बोर्ड में चाहे, तो ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो ऑल्सो। एंड जो लोग प्रीवियस वीडियो सब नहीं देखे हैं, प्रीवियस चैप्टर का रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, उसका आगे में द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये सब है, सबका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। और हम क्लास 11 का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का टोटल सात जो 7 चैप्टर है उसका वीडियो भी डाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, थैंक यू।